हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसबी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, इस फ्राइडे मतलब कि 12 जुलाई को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हुआ है बॉलीवुड की मूवी सरफिर, जिसके अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर अक्षय कुमार, परेश रावल और राधिका मदन के अलावा भी और भी कई सारे एक्टर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सरफिरा मूवी 2020 में रिलीज हुए सुराड़ी पट्टरू का ऑफिशियल रीमेक है और इस मूवी को डायरेक्ट करने का काम इस मूवी के ओरिजिनल मूवी के डायरेक्टर ने किया है। जहाँ पे सरफिरा मूवी को रिलीज हुए थिएटर में 1 डेज कम्प्लीट हो चुका है और इस मूवी के फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हमारे सामने आ चुका है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जो कि करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। जहाँ पे सरफिरा मूवी का जो टोटल बजट है वो लगभग 100 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है, तो उस बजट के सामने इस मूवी को अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया में 2500 के आसपास के स्क्रीन प्रेस किया गया है। चाहे इस मूवी को लेकर मार्केट में शुरुआत से खास हाइप नहीं था, इसका कि सबसे बड़ा रीजन तो अक्षय कुमार ही है, क्योंकि कुछ टाइम से मतलब कुछ सालों से ही उनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे खास कलेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उन्हीं से रीजन्स की वजह से सरफिरा मूवी को लेकर ऑडियंस के बीच में ज़्यादा हाइप नहीं था। इसी के साथ ये मूवी एक ऑफिशियल रीमेक था, जिसके कि ओरिजिनल वर्जन को ज़्यादातर लोगों ने देख लिया था, तो उसके चलते कहीं ना कहीं सरफिरा मूवी को लेकर मार्केट में ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं हुआ था, जिसके चलते इस मूवी का जो एडवांस टिकट बुकिंग था वो भी ना के बराबर था और इस मूवी का जो फर्स्ट डे का ओपनिंग भी हमें देखने को मिला है वो काफ़ी कम है। जहाँ पे सरफिरा मूवी ने अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया से 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन करते हुए ओपनिंग लिया है, जो कि 100 करोड़ के बजट में बनी मूवी के लिए तो कम कलेक्शन है। बट यहाँ पे जिस तरीके से कुछ सालों से अक्षय कुमार का करियर चल रहा है, तो उसके हिसाब से इस मूवी का फर्स्ट डे का ओपनिंग मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। इसी के साथ इस मूवी का जो रिव्यू है वो काफ़ी हमें अच्छा देखने को मिला है, क्योंकि कुछ सालों से अक्षय कुमार के मूवीज़ के साथ हमें होते हुए देखने को नहीं मिल रहा था, बट सरफिरा मूवी के मामले में वो चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पर ये मूवी एक ऑफिशियल रीमेक होने के बाद भी शायद आने वाले दिन पे बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन कर सकता है। बट यहाँ पे दुख के साथ इस बात का भी मैं कन्फर्मेशन आप लोगों को अभी से दे सकता हूँ कि सरफिरा मूवी अपने बजट को भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में रिकवर नहीं कर पाएगा। जहाँ पे मूवी का बजट 100 करोड़ के आसपास का है और अगर इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेना है, तो इस मूवी को 100 करोड़ के ऊपर का तो कलेक्शन करना ही पड़ेगा, जो कलेक्शन शायद ही ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे कर पाए। वैसे दोस्तों, आप लोगों का सरफिरा मूवी को लेकर क्या प्लान है? क्या आप इस मूवी को थिएटर में देखने के लिए जाओगे कि नहीं? आपका जो भी ओपिनियन है इस मूवी को लेकर आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ऐसे मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।